काश। चलो कमरे में चलते हैं। चलो रूम में चलते हैं। दादी मां, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब ऐश्वर्या के आने से पहले अंग्रेजी रूम बिल्कुल शांत थे, लेकिन उसके आते ही अचानक से बदल गए, जैसे किसी सुरूर में चले गए। हाँ, आज तो हमने भी गौर किया, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ दादी मां, इस ऐश्वर्या में कुछ तो गड़बड़ है। रट्टू तोते की तरह अंग्रेजी रूम उसकी बात दोहराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी गुत्थी तो हम सुलझा कर रहेंगे। पसीना पसीना हो गई। देखना एक दिन ना यही पसीना तुम्हें तुम्हारे प्यार तक पहुंचाएगा, क्योंकि जितना तुम्हें पसीना आएगा उतनी जल्दी तुम पतली होगी, और तुम्हारी पतली कमर देखकर ना नील भैया दौड़ते हुए इस घर में वापस आ जाएंगे। अपनी ये वाला फेर फिर अभी बस करो। बस नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया है। दबाओ दबाओ, हम बोलेंगे। हाँ दबाओ। अरे ज्योति, किधर है तू? अरे बा, हट इधर। ए बेटा, हिल मत यहाँ से। मगरमच्छ से भी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। आकाश तुम्हें इतना सुनाता है, फिर भी तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाती? हाँ, मोटी चमड़ी तो है हमारी, तभी तो तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होता हम पे। लेकिन तुमने जो अंग्रेजी हीरो के ऊपर जादू किया हुआ है ना, उसका असर एक दिन हम खत्म करके ही रहेंगे। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि हम जानते कि तुमने अंग्रेजी हीरो के ऊपर कोई ना कोई टोना टोटका जरूर किया, लेकिन तुम्हें चाहे जितने टोने करने ना कर, एक दिन रोना तुम्हें ही पड़ेगा। कहे कि हम तुम्हारी तरह ये माया जाल में नहीं, प्रेम जाल पर भरोसा रखते हैं। तुम देखना, एक दिन हमारा प्रेम देखकर अंग्रेजी हीरो खुद ब खुद हमारी तरफ खींचे चले आएंगे, और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमरे पोते नील की बहू से अपने पाँव दबाएगी? नहीं दादी, हमारे क्या कर रही है, ढंग से बात कर। हमारे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मोहिनी खुद दबाने लग गई थी। हम बैठे हैं ना, आ हम तेरे पैर दबाते हैं। दूसरे पैर में भी दबा रही थी ना, ना दूसरा पैर भी हम सही कर देते। ठीक हो गया दादी, दादी। और तू रसगुल्ला बैल बुद्धि, चल हमारे साथ, तेरे को तो हम बताते हैं। चल बच गए। अंग्रेजी और ईश्वर अब तक आए का ही नहीं है। शायद आ गए। क्या हुआ नंदनी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो दादी माँ, ऐश्वर्या ना अंग्रेजी हीरो को बाहर लेकर की गई है, और वो दोनों अब तक नहीं है। पुनमा भी बंद आ रहा है उनका, पता नहीं कहाँ होंगे। फिक्र मत कर बेटा, वो आता ही होगा। हाँ फिकर मत कर, आ जाएंगे। वो कहा है ना, वो दोनों गए होंगे कहीं इश्क लड़ाने, क्योंकि घर में तो तुम दोनों दोनों को करीब आने नहीं देते हो। इसलिए हमको तो पूरा यकीन है कि आज इस जवान रात में दोनों किसी होटल में अपने प्यार को रोशन करने गए होंगे। क्यों कमिया? जेठानी जी,
आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म करें? हमने कुछ गलत बोला क्या कमिया? और नहीं तो क्या, कुछ गलत थोड़ी कहा है, 100% सच बात बोली है। देख सुमित्रा, हमारी बात सुनने में तेरे को कड़वी लगती होगी, लेकिन है ये सच्चाई कि आकाश को अपने हिसाब की लड़की मिल चुकी है, इसलिए जल्दी से इस लड़की का बोरिया बिस्तरा बांध और उसके इसके गांव भेज दे, क्योंकि अब आकाश इस लड़की के हाथ से हो गया है छूमंतर। कमिया है कि नहीं? चल चले। अकरुण त्वाम कारणाविग्रह अकरुण त्वाम कारणाविग्रह। आकाश, उस नंदिनी की वजह से हम लोग करीब नहीं आ पा रहे थे, आज ना तो वो गवार यहाँ पर है ना ही तुम्हारे कोई घर वाले। आओ, आज हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। तुम जैसे कहोगी आज वैसे ही होगा। आई लव यू आकाश। I love you, Ash. नहीं, हम अग्री जीरों को उस ऐश्वर्या का कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अब तो उन्हें सपने में भी किसी और के साथ नहीं दिख सकते। भगवान जी, इस सपने को कभी सच मत होने दीजिएगा, मत होने दीजिएगा। लेकिन आज हम पता करके रहेंगे कि आखिर वो ऐश्वर्या अग्रेजी हीरो के साथ अकेले कमरे में करती क्या। आज उसकी सच्चाई पता करके रहेंगे। हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर इस ऐश्वर्या के साथ अंग्रेजी हीरो का बर्ताव काहे बदल जाता है। बहुत देर हो गई है, दादी को मेरी फिक्र हो रही होगी, मैं उनसे मिल के आता हूँ। उन्हें फिक्र करने दो, तुम सिर्फ मेरी फिक्र करो। क्या? तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए, किसी और की नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। ये रट्टू तोते की तरह ऐश्वर्या की बातें काहे दोहरा रहे? इस सब का वीडियो बना लेते हैं और इसे कल अंग्रेजी हीरो को दिखाएंगे। शायद इसी दिन के लिए अंग्रेजी हीरो ने हमें वीडियो बनाना सिखाया था। अब मेरी बात धीरे धीरे अपने दिमाग में डालो। अब मैं जो बोलूंगी तुम वही बोलोगी। बोलो कि मैं ऐश्वर्या को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं ऐश्वर्या को कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोलो, ऐश्वर्या ही मेरा पहला प्यार है। ऐश्वर्या ही मेरा पहला प्यार है। इसे तो हमारे गांव में वशीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे पति को वश में कर रही है। हम ऐसे अपने पति की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इस औरत का पर्दाफाश करके रहेंगे। ऐश्वर्या ही मेरा पहला प्यार है। ऐश्वर्या ही मेरा पहला प्यार है। आज उस ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने हम ला कर रहेंगे। दादी माँ, इमरती दादी, काम्या चाची, अंग्रेजी हीरो, ऐश्वर्या। क्या हुआ नंदिनी, इतनी सुबह सुबह हम सबको यहाँ बुलाया? लगता है अपने घर छोड़ के जाने की शुभ खबर सुनाने के लिए बुलाया होगा। घर छोड़कर जाना तो, लेकिन हमें नहीं, ऐश्वर्या को। क्या मतलब है तुम्हारा? आकाश, ये मुझे घर से क्यों निकालना चाहती है? काहे कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं,
दादी माँ ये अंग्रेजी हीरो के ऊपर वशीकरण करती है, जादू टोना करती है उन पर। बकवास बंद करो अपनी, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, इस फोनवा में सबूत है। ये देखिए दादी माँ, इसमें तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या हुआ? मिल गया सबूत? हमने इसे फोन में रिकॉर्ड किया था। कहाँ चला गया? तुम्हारे मोबाइल को किसी ने हाथ लगाया था क्या? समझ नहीं आ रहा दादी माँ, इसी में तो रखा था हमने। खुद को बहुत चतुर समझती हो ना तुम, लेकिन दो कदम आगे हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें वीडियो बनाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मुझसे पंगा लोगी तो बार बार पछताओगी तुम नंदिनी। अंग्रेजी, हम अपनी धरती मैं की कसम खा कर कहते हैं, ये लड़की आपके ऊपर वशीकरण कर रही है, आप पहचानते तक नहीं है इसे। ये आपकी याददाश्त जाने का गलत फायदा उठा रही है, हमारा विश्वास कीजिए अंग्रेजी। ओ, तो तुम्हारा मतलब ये है कि ऐश्वर्या एक जादूगरनी है? जुबान संभाल के बात कीजिए आप, क्या बोल रही हैं? ऐश्वर्या मेरी अमेरिका की दोस्त है, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ। आवाज नीचे करके बात कर। और नहीं तो क्या, मैं तो बस ये जो चंटो बोल रही है उसका मतलब निकाल रही थी। हम जानते हैं ये वीडियो इसी ने गायब किया होगा। बस करो तुम, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं अमेरिका से आई हुई लड़की हूँ, जादू टोने पे विश्वास नहीं करती। ये सब तो तुम जैसी गांवटी लोगों के काम। चलो बहुत हो गया, सॉरी बोला ऐश्वर्या को। सॉरी बोलो। अंग्रेजी हीरो, इस वक्त ये आपको आपकी अपनी लग रही होगी, लेकिन असल में ये आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहती है। दादी माँ ने भी ये बात गौर की, जब भी आप इसके साथ होते हैं ना, अलग बर्ताव करने लगते हैं। ये आपके ऊपर जादू टोना कर रही है अंग्रेजी हीरो। आकाश, इसका मुंह तोड़ दो। मेरी ऐश्वर्या के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगे तुम? का रूप होती है और तुमने हमारे घर की औरत पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादी आप अभी भी इसका साथ दे रही? मुझे तो लगता है आप इसकी साजिशों में मिली हुई हैं। आकाश, तुम अपनी दादी पर इल्जाम लगा रहे हो। कीजिएगा दादी, लेकिन मेरे आकाश पर कोई हाथ उठाए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इसलिए आइंदा से ऐसी हरकत मत कीजिएगा। चलो आकाश। बास मित्रा, देखा तूने तेरे लाडले पोते की हरकतें? तेरे सारे संस्कारों का सत्यानाश करके चला गया। और तो और, आज तो कमियां देखा तूने? कैसे
से अपनी प्रेमिका बेबी डॉल के सामने गूंगा बना हुआ था। उसकी प्रेमिका ने इसका हाथ झटक दिया, फिर भी आकाश कुछ नहीं बोला। जिस दादी माँ को अंग्रेजी हीरो दुनिया में सबसे ज्यादा मानते थे, आज उन्हीं दादी माँ का अंग्रेजी हीरो ने अपनी आंखों के सामने अपमान होने दिया। हमें कैसे भी करके अंग्रेजी हीरो को ऐश्वर्या के वशीकरण से निकालना होगा। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन मेरे आकाश पर कोई हाथ उठाए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। नंदिनी, जो संस्कार हमारा स्वाभिमान हुआ करते थे, उन्हीं संस्कार को ताक पे रखकर आकाश ने उस लड़की को हमारा अपमान करने दिया। उस लड़की ने हमारा हाथ पकड़ा और आकाश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। नंदिनी, हमारी परवरिश हार गई। नंदिनी, हमारी परवरिश हार गई। आई दादी माँ, आपकी परवरिश नहीं आ रही है। जिन अंग्रेजी हीरो को आपने देखा, वो अंग्रेजी हीरो का असली रूप ही नहीं। ऐश्वर्या ने अंग्रेजी हीरो पर अपना वशीकरण किया हुआ है। हमने कल रात ही देखा उसे अंग्रेजी हीरो को अपने बस में करते हुए, और हम जानते हैं दादी, वो ऐश्वर्या अंग्रेजी हीरो के यादार जाने का गलत फायदा उठा रही। अंग्रेजी हीरो उसको जानते तक नहीं होंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसका जादू अंग्रेजी हीरो पर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हम हमारे पति को वापस छीन कर ही लाएंगे। ये आपसे एक पत्नी का वादा है। उस गवार ने मुझे वशीकरण करते हुए देख लिया, और अब तक तो उसने सुमित्रा दादी को भी पूरी कहानी सुना दी होगी। और मुझे पक्का यकीन है सुमित्रा दादी ने बिना किसी सबूत के उस पर भरोसा भी कर लिया होगा। अब इससे पहले ये दोनों मेरे लिए कोई प्लानिंग करें, मैंने उस गवार के लिए प्लानिंग कर ली, क्योंकि ऐश्वर्या हमेशा सबसे दो कदम आगे रहती है। बहुत तेज नजर है ना तुम्हारी, अब देखना तो तुम्हारी इस तेज नजर को कैसे हमेशा के लिए बर्बाद करती हूँ मैं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं आकाश को नहीं खो सकती। कहाँ चले गए आप, प्लीज वापस आ जाइए। देखिए, हम पतले होने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप वापस आ जाए। बहुत याद आती है आपकी। अभी तक तुम चुप थे कमिया, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। पोते का बदला पोते से लेकर रहेंगे हम। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आकाश की याददाश्त कभी वापस ना आए, ताकि वो सुमित्रा जिंदगी भर तड़पे। ठीक उसी तरह जैसे मोहिनी अपने पति के लिए तड़प रही है, जैसे मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ। सुमित्रा चाची उस गवार की फली और आकाश के साथ, अब देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ दादी माँ? नंदिनी, कल हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, और अगर आकाश उसमें नहीं आया तो उनको यही लगेगा कि हमारे बाद हमारी कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका पोता बहुत ही जल्द आपका उत्तराधिकारी बनने वाला है। हमने उन्हें ऐश्वर्या के मायाजाल से निकालने के लिए 11,000 मंत्रों की आहुति रखी है, और फिर वही मंत्रों वाला पानी पिलाकर उन्हें ऐश्वर्या के वशीकरण से आजाद करवा देंगे। दादी माँ, आप आशीर्वाद दीजिए हम कि हमारा ये संकल्प जल्द ही पूरा हो। नंदिनी, आकाश के लिए तुम्हारा ये समर्पण देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा हो जाएगा।
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी कोई भी पूजा असर नहीं दिखाएगी। आज की रात तुम्हारे लिए कयामत की रात होने वाली है नंदिनी, क्योंकि आज तुम्हारा अंग्रेजी हीरो खुद तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खराब कर देगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.